हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई। जीरो आई से आपका स्वागत है दोस्तों। ये हम लोग का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का PT 365 है, ठीक है, पार्ट दूसरा है ये, ठीक है। ऑलरेडी हमने पॉलिटी का कंप्लीट कर लिया है हमने, अभी अब हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पार्ट नंबर दूसरा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट किए थे आपका बायोडाइवर्सिटी थर्ड यूनिट से, तो उसमें लास्ट टॉपिक जो हम कर रहे थे वो फंगस के बारे में कर रहे थे, फफूंद के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम जो करेंगे, फटाफट हमने बताया था ये PT 365 में जो फैक्चुअल चीज़ है जो हम आपको अंडरलाइन करेंगे वही काम का होगा, बाकी इसमें जो राम कहानी लिखा हुआ है वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका काम ये है कि साथ साथ जो आपका नोट्स है, जो हमने आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको नोट्स दिया है इन्वायरमेंट का, ठीक है, उसको आप उस PDF में अंडरलाइन करते रहिएगा जो जो हम बताते जाएंगे आपको, ठीक है, और ध्यान से सुनना है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है दोस्तों आज का, एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ रेड सैंडल सूड। जो लाल चंदन होता है, ठीक है, उसके लकड़ी को एक्सपोर्ट करने की नीति, निर्यात करने की नीति में बदलाव हुआ है। तो आपको मैंने बताया था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है वो वाणिज्य मंत्रालय के अंदर में आता है, और वाणिज्य मंत्रालय के अंदर में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसने क्या किया है कि अगर आप अपने प्राइवेट ज़मीन में अगर सैंडल्स, रेड सैंडल मतलब लाल चंदन उगा रहे हैं तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ साल भर में कुछ कोटा दिया जाएगा कि इतना से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वही अगर लाल चंदन अगर आपका जंगल में उग रहा है तो उसका एक्सपोर्ट परमिशन नहीं दिया गया है, उसका कोई एक्सपोर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट अपने घर पे लगाएं या अपने ज़मीन पे लगाएं तो उसका कुछ कोटा हर साल में आपको दिया जाएगा, उस नहीं आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। ये काम का है। उसके बाद और इसमें कुछ उतना कुछ काम का नहीं है। अब अगर लाल चंदन के बारे में बात करेंगे तो आपने वीरप्पन का नाम सुना होगा आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश के एरिया में मतलब ईस्टर्न घाट में ये चंदन होता है। ये IUCN में इसको इंडेंजर्ड है, मतलब आप याद क्या रखना है कि IUCN में जो है आपका जो पेड़ पौधा को भी उनको भी संरक्षण दिया जाता है, ठीक, IUCN के रेड डेटा बुक में, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी इसके Schedule 4 में हम लोग इसको रखे हैं, मतलब संरक्षण दिए हैं, और साइट्स के Appendix 2 में भी इसका स्थान है, ठीक है। और ये इंडेमिक ट्री है, इंडियन इंडेमिक ट्री है, ईस्टर्न घाट में आपको मिलता है, ठीक है। 25 से 40 साल में ये बड़ा हो जाता है, और चूँकि ईस्टर्न घाट में मिल रहा है तो ईस्टर्न घाट में सूखा रहता है, तो ये सूखा को जो है सह सकता है, याद रखिएगा। इसका और भी नाम है जैसे अलमुग, सॉन्डरवुड, रेड सैंडर्स, रेड सैंडरवुड, रेड सॉन्डर्स, यर्रा चंदनम, रक्त चंदनम, रक्त मतलब होता है रेड, लाल कलर का होगा, रक्त चंदनम, इंडियन लाल चंदन, रगत चंदन, रुखतो चंदन, अंडम, ये इसका नाम है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है क्योंकि कॉस्मेटिक्स में प्रयोग होता है, मेडिकल पर्पज़ के लिए फर्नीचर में इसका प्रयोग होता है, चाइना में इसका बहुत डिमांड है जिसके कारण तस्करी होता था, इसलिए भारत सरकार ने तस्करी को रोकने के लिए इसको IUCN में, रेड डेटा बुक में, आई साइट्स में, ये सब में शामिल किया है। लेकिन प्राइवेट ज़मीन से आप जो है एनुअल कोटा के अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद हाल ही में साइट्स का मीटिंग हुआ है 77वां। अब कौन मीटिंग हुआ, कोई काम का नहीं है। इसमें क्या किया गया, लाल चंदन को रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड से हटा दिया गया। रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड जो होता है साइट्स के अंदर में डाला जाता है, और कोई भी चीज़ों को अगर साइट्स के रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड में डाल दिया जाता है तो उसको, उस राज्य को, उस देश को बचाना है। अगर उस देश वो नहीं बचाता है उस चीज़ को जिसको साइट्स में रखा गया होगा तो उस पर कार्रवाई लिया जाएगा। तब क्या किया गया, रेड सैंडल्स को इसमें से हटा दिया गया, मतलब इसीलिए फिर भारत सरकार ने क्या किया, उसको जो है प्राइवेट ज़मीन में अलाउ कर दिया कि वहाँ से एक्सपोर्ट आप कर सकते हो, ठीक। अगर हम साइट्स की बात करेंगे तो साइट्स में 3 अपेंडिक्स, Appendix 1 and 2 and 3, इसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा दिया है इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, तो यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। बस याद रख, ये रखना है कि साइट्स जो है ट्रेड को रोकता नहीं है, ठीक है। Appendix 1 में रोका गया है लेकिन नॉन कॉमर्शियल पर्पज़, मतलब गैर वाणिज्यिक इम्पोर्ट के, इम्पोर्ट मतलब आयात के लिए आप कर सकते हो लेकिन बेचने के लिए नहीं। Appendix 2 में इसका जो है आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हो लेकिन आपको सर्टिफिकेट चाहिए। Appendix 3 में क्या होता है, Appendix 1 और 2 एक दूसरे से लिंक है, ठीक है, इसमें ज़्यादा संरक्षण इसमें कम है। Appendix 3 में क्या होता है कि किसी जानवर को अगर एक राज्य में, एक देश में प्रोटेक्शन मिला हुआ है और हम चाहते हैं कि उसको दूसरा देश भी प्रोटेक्ट करे तो उसको Appendix 3 के द्वारा डाला जा सकता है, जहाँ एक राज्य जो है रिक्वेस्ट करता है दूसरे से ताकि
उसका शोषण जो है रुके, तो इसमें भी सर्टिफिकेट से और परमिशन के द्वारा जो है व्यापार किया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। ठीक है, अगर साइट्स के बारे में बात करेंगे तो 1973 में ये काम हुआ बना और 1975 में जो है ये लागू हो गया काम करना। IUCN इसको इस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ा रोल है और ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, मतलब गवर्नमेंट सरकारी संस्था है साइट्स। साइट्स का हो गया, इसका हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और UNEP जो है इसका सचिवालय का काम करता है। तो मतलब मकसद यही है कि आप व्यापार करो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करो, लेकिन इस तरह से करना है कि जो है जानवर का सर्वाइवल, मतलब उसका जीना खतरे में ना हो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट रुकिए, तो फिनाइल का गोली मांग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो इसको जो भारत भी इसका मेंबर है, टोटल 184 इसके देश हैं। ठीक है, और साइट्स को इंडिया में मैनेज करने के लिए भारत सरकार ने बनाया है साइट्स एमए। एमए मतलब मैनेजमेंट अथॉरिटी। कौन होता है साइट्स का? डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साइट्स का जो है अलग अलग प्रोग्राम भी है, माइक प्रोग्राम है जो इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट को रोकने के लिए, गैर कानूनी रूप से जानवरों का, हाथी का किलिंग ना हो उसके लिए, भारत भी जो है, भारत का 10 स्थल इस माइक के अंदर कवर है। ठीक है, साइट्स जो है वो लीगली बाइंडिंग है, मतलब कोई देश साइन करता है तो उसको वो लागू करना होता है। ठीक है, लेकिन वो उस देश का अपना कानून का जगह नहीं लेता है, मतलब अगर इंडिया में कोई भी जानवर को बचाने के लिए या किसी भी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए अगर कानून है और भारत ने अगर साइट्स को साइन तो कर ही लिया है, तो साइट्स जो है इस कानून को ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि ये कानून जो है साइट्स को लागू करने में मदद करेगा। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, हर देश जो है स्वतंत्र है कि अपने देसी कानून को बना सकते हैं साइट्स के दायरे में। साइट्स में 3 अपेंडिक्स है, हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। ठीक है, तो इन्वेसिव एलियन स्पीसी मतलब, देखो एलियन स्पीसी मतलब जो बाहर से आ रहा है, तो बाहर से आने वाले सभी स्पीसीज जो है नुकसान नहीं करते हैं, उनमें जो नुकसान करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, उसको बोलते हैं इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। ठीक है, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल ही में एक हमारा संस्था है जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इको सिस्टम सर्विस, उसने जो है एक रिपोर्ट लाया कि इन्वेसिव एलियन स्पीसीज को से क्या खतरा है और किस तरह से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया इन्वेसिव एलियन स्पीसीज क्या होता है। एलियन स्पीसीज बाहर का स्पीसीज जो इंडिया में या किसी एरिया में नहीं रहता है, बाहर से आया है। ठीक है, किसी भी तरह से आ सकता है और सभी लोग नुकसान नहीं होते हैं, कुछ उसमें जो नुकसान करेगा उसको बोलेंगे इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। ठीक है, तो सभी एलियन स्पीसीज जो है इन्वेसिव नहीं होते हैं। ठीक है, वो बाहर से आते हैं माइग्रेशन के द्वारा या किसी भी तरह से आ सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज जो है पृथ्वी का जो बायोडाइवर्सिटी है उसके खतरे के लिए पांच जो कारक हमारा है, जैसे अगर किसी ओवर एक्सप्लाइटेशन अगर रिसोर्स का हो रहा है या उसका हैबिटेट ख़त्म हो चुका है या फिर उसको किलिंग कर दिए हैं इस तरह से, या प्रिडेशन होता है शिकार होता है, उस तरह से इन्वेसिव एलियन स्पीसीज जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का 5 कारण में से एक कारण है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसको रोकने के लिए क्या क्या किया गया है, तो इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप बनाया गया है, स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप। तो IUCN के अंदर एक संस्था होता है जिसका नाम है SSC स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, वही जो है इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप लेके आइए, याद रखिएगा ये 1994 में ये बना था। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करेंगे इन्वेसिव स्पीसीज एलियन स्पीसीज का विशेषता क्या है, तो सिंपल बात है तेज़ी से ग्रोथ होता है, ये बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन करता है और तेज़ी से फैल भी जाता है, पूरा बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और कोई भी नया कंडीशन में तुरंत ही अपने को अडाप्ट कर लेता है और कोई भी बहुत सारा खाना वो खा लेता है और देखो इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंच करता है। ठीक, अगर हम बात करें IPBES के बारे में, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी इको सिस्टम सर्विस जो ये रिपोर्ट लेकर आए, तो ये आपको पता है इंटर गवर्नमेंटल है, मतलब इंटर गवर्नमेंटल संस्था है, लेकिन IUCN के अंदर में नहीं है,
आपको यूएन के अंदर में कौन कौन सा संस्था है सब आपको बता ही है, बाकी जो कूड़ा कचड़ी नाम बचा उल्टा पुल्टा नाम वो सब यूएन के अंदर में नहीं है, हाल ही में बना है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 12 साल हुआ है, 2012 में ये बना है। ठीक, तो वही सब है कि बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को प्रिजर्व करेगा, कंजर्व करेगा। तो यूएनईपी जो है इसको सचिवालय का काम करता है, इसमें 144 देश से इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, उसी तरह से एक और चीज़ न्यूज में था जिसका नाम है एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन। तो नाम से ही पता चल रहा है एशिया पैसिफिक में प्लांट को संरक्षण के लिए आयोग है। ठीक है, इसका हाल ही में ये जो इस आयोग के अंदर में जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका इंडिया जो है चेयरमैन बना है। ठीक है, 2 साल के लिए, 2023-24 के लिए बना है, बैंकॉक में हुआ था मीटिंग। ठीक है, तो काम यही है एशिया पैसिफिक में देशों के बीच में सहयोग को, कोऑपरेशन को प्रमोट करना, और इंटर गवर्नमेंटल है तो नाम से ही पता चल रहा है, तभी तो इंडिया मेंबर है, सरकार मेंबर है तभी तो इंडिया मेंबर बना है ना। वो 1956 में बना था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अप्रूव किया था, मान्यता दिया था। ठीक है, मकसद यही है कि इन्वेसिव स्पीसीज अगर आउटब्रेक होता है तो किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, प्रबंधन करेंगे, इसके लिए है। ठीक, चलिए आप देखेंगे कुछ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज न्यूज में था, इसमें बस हमें पढ़ना है कि वो क्या है, मछली है कि क्या है, पेड़ पौधा फूल है क्या है, और कहाँ पाया जाता है, बात ख़त्म। जैसे है प्रोसोपिस चिलेनेसिस, तो नाम से ही पता चल रहा है चिली में रहता है वो, चिली कहाँ है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, राइट, तो ठीक है, तो ये एक तरह का समझ लीजिए प्लांट है जो ड्राउट रेजिस्टेंट है लेकिन इन्वेसिव है, मतलब नुकसान पहुंचाता है। साउथ अमेरिका में आपको अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली और पेरू में मिलता है, इसको चिलियन मेस्क्यूट भी बोलते हैं। न्यूज में इसलिए था कि हाल ही में गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में इसको आसपास देखा गया था। ठीक है, फिर मॉस्किटो फिश, इसका मैंने आपको करंट में पढ़ाया अभी था, फोटो भी दिखाया था, ये भी इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है। ये एक मछली होती है छोटी छोटी जो मॉस्किटो मतलब मच्छर को खाते हैं, इसका कुछ एग्जांपल है जैसे मॉस्किटो फिश, गम्बूसिया, याद रखिए गम्बूसिया नाम में है, गम्बूसिया एफिनिस या गम्बूसिया होलब्रुकी, ये सारा चीज़ है। ठीक है, फिर ये यूएस में पाया जाता था और इंडिया में अंग्रेज लोगों का मच्छर बहुत काटता था, तो इसलिए 1928 में उन्होंने इंडिया में इसको बाहर से लेके आया था, लेकिन दिक्कत यह था कि मच्छर को तो नुकसान पहुंचा ही दी, ख़त्म कर ही दिया ये। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ और भी बायोडाइवर्सिटी था, इकोसिस्टम था, उसको भी ये नुकसान पहुंचा रहा है, इसीलिए इन्वेसिव एलियन स्पीसीज बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है कोनोकार्पस ट्रीज। ठीक है, तो कोनोकार्पस जो, हाँ हिंदू में हमने करवाया था, कोनोकार्पस जो ट्री है ये भी इन्वेसिव मैंग्रोव का स्पीसीज है। ठीक है, जिसको गुजरात गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, पहले इसको तेलंगाना भी बैन कर चुकी है, तो गुजरात और तेलंगाना जो है इसको बैन कर दिया। मैंग्रोव का ये ट्री है, जनरली ऑर्नामेंटल ट्री, ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी, ऐसी याद कर लीजिए, कोना कोना में आपने जो है बढ़िया बढ़िया पौधा भर दिया सजाने के लिए। ठीक है, तो ऑर्नामेंटल ट्री है, नुकसान पहुँचाता है। फिर नेक्स्ट है लुडविगिया पेरुविना। ठीक है, पेरू पेरुवियाना। ठीक है, तो पेरू में मिलता है। ठीक है, ये भी एक वीड है, वीड मतलब खरपतवार है, इन्वेसिव स्पीसीज है और नुकसान पहुंचा रहा है किसको दोस्तों, हाथी को, हाथी को नुकसान पहुंचा रहा है। ये आपको साउथ अमेरिका में मिलता है, पेरू के आसपास छोटे छोटे फूल इसमें होते हैं। ठीक है, और पानी के आसपास ये रहता है। इसका एक और नाम है प्राइम रोज विलो। ठीक है, तमिलनाडु में ये नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, क्यों क्या पूछ रहे हैं कि मैन क्यों बैन कर दिया, क्योंकि ये सब इनवेसिव एलियन स्पीसीज है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है, इसीलिए वहाँ के लोकल डाइवर्सिटी को, पेड़ पौधा प्लांट को ख़त्म कर देगा। फिर है रेड फायर एंट। ठीक है, एक एंट है, ठीक है ना, तो ये भी जो है यूरोप में पहली बार इसको देखा गया था, ये साउथ अमेरिका में मिलता है लेकिन धीरे धीरे करके यूएस में, मैक्सिको, कैरिबिया में, चाइना, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप में भी फैल गया है। ठीक है, तो ये भी एंट है, नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, और बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। ठीक, आगे देखेंगे हम रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। ठीक है, तो IUCN जो है रेड डेटा बुक जारी करता है, तो उसी से रिलेटेड है, उसने एक रिपोर्ट जारी किया है, तो उसमें क्या लिखा है काम का नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैं समझना है कि सबसे पहले एक साइगा था, साइगा क्या था, एंटीलोप है, हिरन टाइप का, हाँ ब्लास्ट वाटर से आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, ब्लास्ट वाटर समझते हैं ना, जैसे कि ये जहाज़ है। ठीक है, अभी
जब जहाज खाली होता है तो इसमें सामान डालने के लिए इसको थोड़ा सा भारी किया जाता है। तो मान लो ये यूएसए में हमारा जहाज है, यहाँ पे इसको हिंज कर दिए हैं, बांध दिए हैं, और यहाँ का यूएसए का पानी डाल के इसको भारी कर दिए और फिर जाके सामान स्टोर कर दिए, ठीक है। उसके बाद ये जहाज़ गया इंडिया में, ठीक है। और इंडिया में जब जहाज़ गया तो हम लोग सामान उतारेंगे, तो सामान उतार लेते हैं और जहाज़ में जो पानी है फेंक देते हैं। तो यूएसए में जो भी कीड़ा मकोड़ा, जो भी मछली वस्ती डाइवर्सिटी था, वो इंडिया के पानी में आ गया, और वहाँ पे अगर वो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है तो नुकसान पहुँचा देगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। चलिए, तो साइगा जो है क्या है, एक हिरन टाइप का है, एंटीलोप टाइप का है। तो वो अभी हाल ही में क्या हुआ है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड था पहले, वो नियर थ्रेटेंड उसमें कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब बोला जाता है कि लास्ट जो आइस एज हुआ है, ठीक है, उस समय से ये जो है घूम रहा है, ठीक। अब बाकी ये सब कोई काम का नहीं है, जो हम आपको डेटा बता रहे हैं बस वही ध्यान रखिएगा, बाकी जो किसी ये सब उल जलूल लिखा है वो सब काम का नहीं। याद रखना है कि पहली बार जो है वैश्विक फ्रेश वाटर मतलब ताज़ा पानी का मछली का सर्वेक्षण किसने किया है, तो IUCN ने किया है, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो चार फ्रेश वाटर जो हमारा सबटेरेनियन, सबटेरेनियन मतलब होता है ज़मीन के नीचे जो फिश रह रहा है, ठीक है, जो सरफेस के नीचे जो पानी है उसमें जो रह रहा है, उसको केरला से मिला गया है। तो उसका नाम बस याद रख लीजिएगा, जैसे साजी कैटफिश इंडेंजर्ड है, अब्दुल कलाम ब्लाइंड केव कैटफिश, और पेंजियो भुजिया, ठीक है। देखिए कैटफिश आएगा तो आप समझ लेना कि इंडेंजर्ड है, ठीक है, साजी और जो भी, लेकिन ये अगर आ जाए पांजियो भुजिया तो क्या है, तो मछली है, ठीक है, इंडेंजर्ड है। और गोलम स्नेक हेड, ठीक है, ये भी क्या है दोस्तों, मछली है, याद रखिएगा। इसका हेड जो होता है किसके जैसा होता है, सांप के जैसा, ठीक है। एक बार याद है UPSC ने क्वेश्चन पूछा था कि ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, तो वो सब चिड़िया था, है ना, कुछ दिन पहले सॉल्व किया था ना साउथ इंडिया से। तो उस तरह से ये भी जो है पूछ सकता है। उसके बाद देखो IUCN रेड लिस्ट जो है, टोटल इसमें कितने कैटेगरी है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से इंडेंजर्ड या थ्रेटेंड किसको बोलते हैं, थ्रेटेंड तीन होता है, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इन तीनों को क्या बोलते हैं, थ्रेटेंड बोलते हैं, ठीक है। और एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब होता है कि जंगल में आपको आपको एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन चिड़ियाघर में वो मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने स्पीसीज होते हैं उसको हम लोग कुछ को इवेल्युएट नहीं करते, मतलब नहीं देखते हैं। मान लो चूहा है तो चूहा को इवेल्युएट करने का क्या ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी को हम लोग इवेल्युएट करते हैं। जब इवेल्युएट करते हैं तो उसके अंदर हो सकता है कि डेटा डिफिशेंट, डेटा हमें नहीं पता, फिर लिस्ट कंसर्न हो सकता है, फिर नियर थ्रेटेंड, और फिर थ्रेटेंड। थ्रेटेंड में क्या होता है, तीनों आ गया, फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और एक्सटिंक्ट, तो टोटल 9 कैटेगरी जो है, ठीक है, ये ठीक है। अब देखो ये जो टेबल है वो कोई काम का ये सब नहीं है, ठीक है, टेबल को ये जो इसका मतलब क्या होता है, ये कोई काम का नहीं, बस 9 कैटेगरी है, बस वो याद रखना है, ठीक है। और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड क्या होता है, एक्सटिंक्ट क्या होता है मैंने बता दिया, बाकी कोई काम का नहीं। जाहिर सा बात है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे रहेगा, जो इंडेंजर्ड होगा वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होने के कगार पे रहेगा। वल्नरेबल को कैसे डिफाइन करेंगे, वल्नरेबल तो होगा लेकिन इंडेंजर्ड हो जाए होने के कगार पे होगा। नियर थ्रेटेंड को इंडेंजर वल्नरेबल होगा, लिस्ट कंसर्न जो होगा वो नियर थ्रेटेंड में होने की संभावना होगी, बस इसी तरह से यही लिखा हुआ है, राम कहानी, कोई काम का नहीं है इस तरह, ठीक है, वो खुद हम नॉलेज के आधार पर बना देंगे, ठीक है। तो रेड लिस्ट आपको पता ही है, बायोडाइवर्सिटी का हेल्थ बताते हैं, इसमें याद कर क्या करना है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है, ये तो कोई बचवो बता देगा ये क्या है, ठीक है। इसमें भी बोल रहा है कि हैबिटेट का इंफॉर्मेशन, इकोलॉजी, ये सब कोई काम का है, इसको यह नहीं बताया आपको, ठीक है। क्राइटेरिया होता है, बिना क्राइटेरिया का कैसे क्लासीफाई करेगा, नॉर्मल बात है, पॉपुलेशन देखता होगा, उसका प्रोडक्शन देखता होगा, साइज देखता होगा, एरिया देखता होगा, ये नॉर्मल चीज़ है। फिर IUCN के बारे में बात करेंगे, तो 1948 में बना था जेनेवा। देखो प्रीलिम्स जो आपका PT 365 है उसमें ऐसे पढ़ना है कि देखो जो एनालिटिकल चीज़ है, लॉजिकल चीज़ है, वो तो हम सॉल्व करके बना ही देंगे, जो फैक्चुअल हम उस पर ना फोकस करेंगे, बात समझ में आ रहा है ना, अपने दिमाग पे ओवर बर्डन नहीं करना है, हम लोग इंसान है, मानव है, तो हम लोग को ये सब पता होगा, नहीं पता होगा, एनालिटिकल चीज़ है। अगर जो IUCN अगर सर्वे करके बता दे रहा है कौन डेटा यूज करके और क्या क्राइटेरिया, तो हम भी तो बता सकते हैं कि कौन क्राइटेरिया यूज होता होगा, अपना लॉजिक के आधार पर तो बता ही सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन जो फैक्ट होगा,
फैक्ट में लॉजिक उतना काम नहीं करता, तो फैक्ट हमें उतना देखना पड़ता है। ठीक, तो IUCN का 1948 में बना है। अब इसको ऐसे याद नहीं होगा, याद रखना कि जब देश आज़ाद हुआ तो 1 साल बाद IUCN बना। ठीक है, हम लोग तो स्वतंत्र हो गए तो जानवर को भी स्वतंत्र तो करेंगे, जो उसको बंधन से मुक्त करते थे, राजा रजवाड़े मारते थे। तो इस तरह से कैसे भी लॉजिक लगा के आपको फैक्ट को ध्यान में रखना है। ठीक, हेड क्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और मैंडेट क्या होगा, वही जानवर को बचाना, इसमें क्या पढ़ाना है इसको, ये पॉइंट का। मेंबरशिप तो पता है, सरकार भी हो सकता है, सिविल सोसाइटी भी, क्योंकि IUCN खुद एक NGO है। ठीक है, रिपोर्ट ही कौन जारी करता है, तो वो एक तो हो गया रेड डेटा बुक जारी करता है, उसके अलावा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एम्फीबियंस द सेकेंड ग्लोबल एम्फीबियन असेसमेंट रिपोर्ट, मतलब ऐसे याद क्या करना है कि एम्फीबियन रिपोर्ट जारी करता है। एम्फीबियन मतलब जो ज़मीन पर भी रह लेगा और जो उस पर भी रह लेगा, पानी में भी, है ना। चलिए, अब ये हो गया, अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन न्यूज। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर कोई न्यूज में होगा तो उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे गंगोत्री नेशनल पार्क है, कहाँ होगा बताइए, ये होगा हरमन के घर में। ठीक है, मतलब यहाँ उत्तराखंड में। ठीक है, अब दुधवा नेशनल पार्क कहाँ होगा, यूपी का कौन है इसमें, अभिषेक के घर में है दुधवा नेशनल। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का कौन है, कामलांग टाइगर रिजर्व, जो जो भी होगा। ठीक है, दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मिजोरम में। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, हमारे घर में झारखंड में। ठीक है, डेबरीगढ़ कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। ठीक है, एक डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ कहाँ है तो आपका असम में, और डेबरीगढ़ कहाँ है तो उड़ीसा में। लेमरू एलिफेंट टाइगर रिजर्व कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, जहाँ से हमने बीटेक किया है। ठीक है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व देखो बाउंड्री में, केरल तमिलनाडु के बाउंड्री में, उसके ऊपर है मुकुर्ती, तो आप अरेंजमेंट थोड़ा देख लीजिएगा। मुकुर्ती जो है वो ऊपर है, उसके नीचे अन्नामलाई है, और फिर कलक्कड़ है, कन्फ्यूज़ नहीं करना है कलक्कड़, हमने कलक्कड़ को आपको PYQ में आज बताया भी था। ठीक है, कलक्कड़ बायो ये सब। उसके बाद मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व, ठीक है, उसके बाद देखिए केरला में है काडलुंडी वालीकुन्नू कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है, तो ये सारा हो गया, ये सब न्यूज़ में था, इसीलिए इसमें जो आप भूलेंगे वो लेमरू को थोड़ा देखेंगे, बाकी अन्नामलाई ये सब तो मार ही देंगे आप, कलक्कड़ को थोड़ा याद रखेंगे, मुंडन थुराई तो ये सब तो कर ही देंगे, मुकुर्ती भी कर देंगे। अब ये कोलुंडी क्या नाम है, कडलंडी वल्ली कुन्नू कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है, इतना लंबा देगा भी नहीं कभी, देगा तो समय केरला में। बाकी दम्पा सिमलीपाल ये सबको पता ही होता है, कामलांग तो नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, ये याद रखिएगा, बूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में जो कामलांग टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व में हम क्या पढ़ते हैं कि वो कहाँ पे है, वहाँ पे वेजिटेशन क्या है, थोड़ा सा जानवर के बारे में, और नदी नाला है, तो बस और कुछ नहीं पढ़ना है। तो कामलांग टाइगर रिजर्व जो है ये सब क्या पढ़ना है कि भी बटरफ्लाई वॉक होता है, नेचर ट्रेल इवेल फॉर द फर्स्ट टाइम इवेन इन, सब कोई काम का ही ये सब है, बकवास चीज़। ठीक है, लोकेशन की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिला में है, और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो नॉर्मल बात है, ट्रॉपिकल कहाँ होता है, एक जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया को ट्रॉपिकल बोलते हैं, तो ये तो उसके बाहर है, तो इसलिए सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, यहाँ पे झील एक होती है जिसको नाम है ग्लो लेक, याद कैसे रखना है कि अरुणाचल प्रदेश की जो लड़कियाँ होती है उसका ग्लो स्किन जो है साइन करता है, ग्लो करता है। ठीक है, तो ग्लो लेक वहीं पर है, ऐसे करके हम याद करते हैं, बाकी आप भी इस तरह से करेंगे तो ईजी पड़ता है। और काम भी करती है वो, मेहनत करती है, तो मेहनत जो करता है उसका स्किन ग्लो मारता है, पसीना स्वेटिंग होता है। तो इंटरनेशनल बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो एक NGO है, उसने इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी इसको डिक्लेयर किया है। इसमें जो नदी बहती है तो नाम से ही पता है, कामलांग नदी बहती है, तवा नदी और लांग नदी। देखिए तवा जो नदी है ये आपका जो हमारा कौन सी नदी है वो, ये क्या नाम उसका, महानदी। तो महानदी की सहायक नदी तवा नदी है। ठीक है, लेकिन तवा नदी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है, याद रखना है, और लांग नदी भी वहीं पे है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल टेम्परेट और अल्पाइन फॉरेस्ट मिलता है, ठंडा एरिया है तो अल्पाइन फॉरेस्ट भी आपको मिलेगा, टेम्परेट तो मिलेगा ही और ट्रॉपिकल तो मिलेगा ही। ठीक है, क्योंकि देखो नॉर्थ ईस्ट में क्यों फॉरेस्ट मिलता है, क्योंकि वो हिमालय पर, और हिमालय में अलग अलग हाइट पर आपको अलग अलग चीज़ मिलेगा, राइट। जैसे नाम दफा में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो है वेजिटेशन मिलेगा हाइट में, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तब। तो जो भी हिमालय में नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, अगर वो नॉर्मल शिवालिक से शुरू हो रहा है तो वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल टेम्परेट और ये मिलेगा, लेकिन अगर कोई उत्तराखंड में ही शुरू हो रहा है, उत्तराखंड ऑलरेडी हाइट पे है,
तो वहाँ तो फिर आपको ज़्यादातर टेम्परेट और अल्पाइन नहीं दिखेगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उतना वहाँ पे नहीं दिखेगा, समझ रहे हैं। तो हर चीज़ को पीछे कोई कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे ही कोई अपने आप यूपीएससी नहीं पूछता है, ठीक है। उसके बाद जिसमें जो जानवर मिलेंगे, तो ठंडा जगह है तो स्नो लेपर्ड तो मिलेगा ही, क्लाउडेड लेपर्ड भी मिलेगा, बाघ तो मिलेगा ही, आसाम में मिलता है तो वहाँ क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। हिमालयन पाम सीवेट, सीवेट माने बिल्ली बिल्ली टाइप कुछ होता है, पाम मतलब छोटा हाथ में आ जाएगा, हॉर्नबिल तो मिलेगा, नागालैंड में फेस्टिवल भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश के बारे में हो गया। इसमें कुछ याद करना पड़ा आपको? कुछ नहीं, उतना फैक्चुअल नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे याद किया है। आसाम में है बुरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, इसमें राइनोसेरस मिलता है, कोई इसमें क्या याद क्या करना है? तो गैंडा तो मिलता ही है असम में, ठीक है, क्या इसमें याद करोगे आप, ठीक है। लोकेशन यह देख लीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में है ये, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा जो लाव खोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका एक अभिन्न अंग है, ठीक है, बुरा चपोरी, ठीक है, और काजीरंगा टाइगर रिजर्व का भी ये बफर एरिया है, ठीक है। ये सब उतना कुछ काम का नहीं है, बस अलग अलग याद रखना कि काजीरंगा भी इसके अंदर, काजीरंगा का पार्ट है, लाव खोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है, बस इधर पढ़ना है। फॉरेस्ट टाइप इसे सब क्या ही पढ़ना है। यहाँ पे देखो बुरा चपोरी, काजीरंगा, काजीरंगा ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी है तो एलुवियल सॉइल होगा, एलुवियल ग्रासलैंड हो जाएगा, राइपेरियन मतलब नदी होता है, सेमी इवरग्रीन, पानी वानी खूब होता है नॉर्थ ईस्ट में, तो इवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। इसमें क्या याद करोगे? ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो, ये तो पता ही है, तो बाघ तो मिलता ही, तेंदुआ मिलता है, बंगाल फ्लोरिकन, बंगाल में फ्लोरी, अगर बांग्लादेश में फ्लोरिकन मिल रहा है तो अब तो असम से ही पहले एक ही था ना आपका, असम और ये वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल था पहले वो, ठीक है। उसके बाद ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क, ये सारा चीज़ मिलता है। इसमें कुछ याद करना पड़ रहा है क्या? नहीं, ठीक है। करंट अफेयर को इस तरह से पढ़ते हैं, अगर लॉजिक वॉजिक लगा के पढ़ेंगे तो कुछ रटना नहीं पड़ेगा, फ्लो में एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में क्या है? लमेरू एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, तो इसमें कुछ काम का नहीं है, बस ये सब छोड़ दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद लेमेरू एलिफेंट, ये सब कोई काम का नहीं है, ये सब कुछ काम का नहीं। जोग्राफिकल लोकेशन आप यहाँ पे देख लीजिए, ये बस हसदेव आरण्य फॉरेस्ट जो है कोयला डिपॉजिट है, हसदेव का जंगल भी न्यूज़ में था, आपने देखा होगा, अदानी उसको वहाँ पे कोल माइंस मतलब खोल रहा है, ठीक है। उसको छत्तीसगढ़ का लंग्स भी बोलते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ का फेफड़ा, जिस तरह ब्राज़ील का फेफड़ा क्या बोलते हैं, यविसो का फेफड़ा को अमेजन फॉरेस्ट, उसी तरह छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, हसदेव, ठीक है। आरण्य मतलब होता है जंगल, ठीक है। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है, ठीक है, चीतल मिलता है इसमें, चीतल आप समझ लीजिए कि किसके टाइप होता है, हिरन विरन के टाइप होता है, ठीक है। छोटा नागपुर का पार्ट है, तो नॉर्मल बात है झारखंड में ही छोटा नागपुर है तो छोटा नागपुर का पार्ट होगा ही। बेतला नेशनल पार्क यहीं पे है, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको पलामू पढ़ते हैं, पालामाऊ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अंग्रेज जिसको नाम रखा है पालामाऊ, ठीक है। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, देखो बर्ड एरिया जनरली सब होता है, बर्ड वहीं पे मिलेगा जहाँ पे पानी होगा, पेड़ पेड़ वगैरह ठीक ठाक हो, वहाँ पे पक्षी अपने आप आ जाता है, ठीक है। अब नॉर्थ कोयल नदी इसमें फ्लो होती है, ठीक है, औरंग नदी फ्लो होती है और बूढ़ा नदी इसमें जाती है, बस थोड़ा सा ध्यान इसको रखना है। डेसीडियस फॉरेस्ट पर्णपाती पौधा मिलता है, और मिक्स्ड, मिक्स्ड का मतलब कोई मॉइस्ट रहेगा, कोई गील आर्द्र रहेगा, कोई सूखा रहेगा, टाइगर ये सब क्या पढ़ाना है, ठीक है। चलिए मिजोरम जो है में दम्पा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, यहाँ पे एक मेढक का एक टाइप मिला है जिसका नाम है बुफोइडस भूपति, ठीक है, याद रखिएगा ये कि बुफोइडस भूपति क्या है, ठीक है। मेढक का भी स्टाइलिश नाम है, ठीक है। उसके बाद दम्पा टाइगर रिजर्व में ये मिला है, इसको सुब्रमण्यम भूपति थे उन्हीं के नाम पे इनको किया गया था। अच्छा, इसमें ये जो हमारा डम्पा टाइगर रिजर्व है, इसके वेस्ट में मिजोरम है, आपको पता है कि ये आपका मिजोरम में है, तो मिजोरम में ही देखो, यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे, तो यहीं भी आपको क्या है, लुसाई हिल्स है, क्या है मिजोरम में, लुसाई हिल्स है, ठीक है, जिसको ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं, लुसाई हिल्स को, ठीक है। और उसके बाद चटगांव भी है, चटगांव मतलब बांग्लादेश का एरिया जो है, सजेक हिल रेंज है बांग्लादेश का, वो भी इसके वेस्ट में, ठीक। उसके बाद ये भी बर्ड एरिया है, ये नॉर्मल बात है, नदी इसमें जो जाती है वो उल्टा पुल्टा नाम है, कवाथा लंग टूपुई जो भी नाम है, तेराई नदी इसमें जाती है,
फॉरेस्ट तो नॉर्मल बात है, बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट में तो इवरग्रीन फॉरेस्ट और सेमी इवरग्रीन तो होगा ही। हुल्लो गिबन जंगल है तो इसमें आपको मिलेगा ही गिबन, गिबन मतलब होता है समझ लो कि लंगूर टाइप का। बाघ मिलेगा, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, गोल्डन कैट मिलता ही है। गोल्डन वाला जहाँ भी नाम आ जाए ना तो आप समझ जाना नॉर्थ ईस्ट या हिमालय के एरिया में। गोल्डन कैट है, हिमालयन ब्लैक बियर, काला भालू, हिमालय तो है ही आपका, हिमालय का ही पार्ट है पूर्वांचल, हमारा जो पहाड़ी है नॉर्थ ईस्ट में, तो हिमालयन ब्लैक बियर भी यहाँ पे मिलता है। कुछ आप देख रहे होगे, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा नदी वदी हो गया, बस यही ध्यान देना है, कोई पहाड़ी वहाड़ी, बाकी सब लॉजिक के आधार पर हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट है केरला में देखेंगे तो कडलंडी वलीकुन्नु कम्युनिटी रिजर्व है, ठीक है, तो कडलंडी इसमें नदी बहती है, केरला में है ये, ठीक है। तो जो ग्रीक लोग थे, यूनानी जो व्यापारी यहाँ पे आए थे बहुत पहले, तो उसको वो इसको क्या बोलते थे, टाइंडिस बोलते थे, क्या बोलते थे, टाइंडिस। तो याद रखिएगा टाइंडिस क्या था, केरला में इनको बोला जाता था इस जगह को। ये भारत का पहला रिवर फ्रंट कम्युनिटी रिजर्व है, मतलब नदी से सटा हुआ पहला भारत का कम्युनिटी रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व स्थल है, ठीक है। तो कम्युनिटी रिजर्व अगर पूछे क्या होता है तो अब याद रखिएगा कम्युनिटी रिजर्व जो है प्रोटेक्टेड एरिया, संरक्षित क्षेत्र होता है, जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002 के तहत जो है हम लोग मान्यता देते हैं। ये एक बफर जोन होता है, ठीक है। नेशनल पार्क हुआ तो उसको जो साइड साइड के एरिया को कम्युनिटी रिजर्व हम लोग डिक्लेयर करते हैं, ताकि जो कम्युनिटी इस पर डिपेंडेंट है वो जंगल में ना घुस के कुछ तबाही करे, बगल ही में ही अपना जीवन यापन बिताए, ठीक है। अगर सरकार को लगेगा, ठीक है, तो ये कम्युनिटी रिजर्व को कंजर्वेशन एरिया भी सरकार डिक्लेयर कर सकती है, अगर वहाँ पे कोई नहीं रहता होगा तो, या फिर वो सरकार का होगा तो कम्युनिटी रिजर्व को सरकार कंजर्वेशन रिजर्व भी डिक्लेयर कर देती है, कंजर्वेशन एरिया डिक्लेयर कर देती है, अगर वो एरिया में कोई नहीं रहता होगा तब, या उसका मालिक सरकार होगा तब, पूर्ण रूप से। जो हमारा कम्युनिटी रिजर्व होता है उसको गवर्न कौन करता है, तो राज्य का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है। याद रखिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को अपॉइंट कौन करता है, तो राज्य सरकार करती है, ठीक है। इसमें आपको रेस्ट्रिक्शंस है कि कम्युनिटी रिजर्व में आप क्या नहीं कर सकते, वहाँ पर आप कृषि नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं कर सकते हो, और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो कलेक्ट कर सकते हो, मतलब लकड़ी कलेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन गैर लकड़ी उत्पाद जो है आपको कलेक्शन करने का अधिकार है। इसमें कौन सी नदी जाती है, तो कडालंडी जो है नदी इसमें जाती है। फॉरेस्ट कौन से है, तो मैनग्रोव फॉरेस्ट है, याद इसमें क्या करना है, जो पता ही है केरल में मैंग्रोव तो मिलेगा ही, ठीक है। तो मैंग्रोव है, केकड़ा फेकड़ा जो है यहाँ पे मिलता है, ओटर्स, ओटर मतलब उदबिलाव, ये सब भी मिलता है। उदबिलाव पानी के नज़दीक होता है, तो यहाँ तो केरल में तो पानी है पानी, ठीक है। अगर उड़ीसा में बात करेंगे तो डेबरीगढ़ जो है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है, हीराकुंड डैम से इसको बनाया गया है, महानदी नदी पर यह है, और नॉर्मल बात है डेसीडियस फॉरेस्ट, पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती पौधा यहाँ पे मिलेगा ही। तो जंगली पैसा, बाघ, तेंदुआ, सांभर, चौसिंघा, ये सब यहाँ मिलते हैं, ठीक है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व बात करेंगे तो आपका उड़ीसा में है, तो यहाँ पे पहली बार मेलानिस्टिक टाइगर, मेलानिस्टिक मतलब अलग अलग रंग का टाइगर को रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने म्यूटेशन किया है, जिसका नाम है जीन ट्रांस मेम्ब्रेन एमिनो पेप्टिडेज, ठीक है। देखो जिसे ब्लैक टाइगर में स्ट्राइप्स आ जाता है, तो आपको पता है कि आपको ने सुना होगा कि मेलानिन जो होता है उसी के कारण कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, ठीक है। तो उसी तरह से इनमें जो म्यूटेशन होता है जीन का, जिस जीन का नाम है ट्रांस मेम्ब्रेन एंड एमिनो पेप्टिडेज क्यू, ये पूछ सकता है कि टैक पेप क्या था, तो एक जीन होता है जिसके कारण बाघ अलग अलग कलर का होते हैं, ठीक है। तो लोकेशन आपको सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, मयूरभंज जो जिला है, मयूरभंज जिला में खूब सारा मिनरल्स है, उड़ीसा का यूनेस्को के मैन बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर में है, बर्ड भी है यहाँ पे, ठीक है। और मेलानिस्टिक टाइगर पूरे विश्व में अगर कहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे है दोस्तों, ठीक। इसमें जो नदियाँ जाती है सिमलीपाल में कौन कौन सा है, बूढ़ा बलंगा, सालंडी, उसके बाद बैतरणी नदी है, ठीक है। फॉरेस्ट आपको पता है डेसीडियस फॉरेस्ट है, कुछ इवरग्रीन भी मिलेगा, साल्ट और ये सब, माइना वाइना, यहाँ पे सांभर, जैंट स्क्विरल, ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। भारत सरकार का एक प्रोग्राम है जिसके तहत वो जो है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को बचाता है, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, कि इसका नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ
हैबिटेट IDWH, ठीक है, तो उसके तहत इसको कवर किया गया है। किसको? सिमलीपाल को स्थान दिया गया है, ठीक है। चलिए अगर हम तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में मुकुर्थी नेशनल पार्क है, ठीक है, तो ये नीलगिरी हिल्स में है, नीलगिरी बायोस्फीयर के पार्ट में है। मुडुमलाई जो नेशनल पार्क है साइलेंट वैली, उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, आप देख लीजिए ना, ये है हमारा मुकुर्थी, तो यहीं पे नीलगिरी है ना, तीनों में कटता है, ठीक है। अन्नामलाई के साथ ही बॉर्डर शेयर करेगा, तो वही सब इसमें लिखा हुआ है और क्या, ठीक है। तो नीलगिरी के साथ में, मुडुमलाई के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। माउंटेन फॉरेस्ट है, माउंटेन में तो जंगल पेड़, मतलब माउंटेन मतलब क्या, माउंटेन ग्रासलैंड, 16 ग्रासलैंड बोलते हैं, तो वो मिलता है, ठीक है। रोडेंड्रॉन मिलता है क्योंकि थोड़ा ठंडा एरिया भी है, पहाड़ जाओगे तो हाइट पे, ठीक है। ब्लैक बेरी, काला बेरी मिलता है, बार्किंग डियर, भौंकने वाला डियर, हाथी माथी, पैंथर, ये सब तो नॉर्मल बात है। जयकाल माने सियार होता है, ठीक है, ये सारा मिलेगा। अगर कलकट का बात करेंगे तो ये भी आपका तमिलनाडु केरल के बाउंड्री में है, ठीक है, वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में, ठीक है। इसमें दो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक है कलक्कड़ और एक है मुंडन तुरई, ठीक है। और ये आपका एक फॉरेस्ट है कीलामलाई और वीरापुल्ली, फॉरेस्ट के अंदर में वीरापुल्ली के बारे में, पुल्ली का बात किया था एक बार, याद होगा आपको शायद, ठीक है। और अगस्तमाला बायोस्फीयर के अंदर में है हमारा कलक्कड़, UPSC ने इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है। इसमें जो नदी जाती है वो नाम, उसका नाम है तामीरा बरानी, तामीरा बरानी जो है दोस्तों नदी भी क्रॉस करती है इसमें से, ठीक है। और रिवर सेंचुरी भी इसको बोला जाता है, फॉरेस्ट जो है नॉर्मल बात है। तो इसमें जो है आपको थॉर्न फॉरेस्ट भी थोड़ा थोड़ा मिलेगा, थोड़ा कांटीला, और डेसीडियस फॉरेस्ट भी मिलेगा, और पेंगोलिन भी मिलता है, इंडियन पेंगोलिन, ठीक है, नॉर्मल बात है। जंगल वंगल में ही थोड़ा मिलेगा, घास वास के मैदान में। माउस डियर, ऐसा हिरन जिसका मुंह होगा चूहा जैसा, ग्रेट इंडियन हॉर्न बिल भी, ये सब मिलेगा। मैं नाम दफा फ्लाइंग स्क्विरल का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हॉर्नबिल आपको पता है कि नागालैंड में भी मिलेगा, और मतलब थोड़ा जहाँ पेड़ पौधा ठीक ठाक हो, घास का मैदान हो, तो वहाँ पे आपको हॉर्नबिल जो है मिल जाएगा, ठीक है। रंग बिरंगा पक्षी होता है, ब्यूटीफुल पक्षी होता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में है, मलाई जहाँ भी रहेगा आप समझ लो कि तमिलनाडु का एरिया है, ठीक है। वेस्टर्न घाट में इसमें 6 डिफरेंट पीपल रहते हैं, उसका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन? मलाई, मलासर, कडर, मलासर, मुडुवन, पुलैयर, इरावलार, ये 6 तरह का इंडिजीनियस पीपल है, ठीक है। CATS का फुल फॉर्म क्या है? ये एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड है शायद, कॉमन एश्योर टाइगर स्टैंडर्ड, या कंजर्वेशन, सॉरी कंजर्वेशन एश्योर टाइगर स्टैंडर्ड, मतलब हर नेशनल जो टाइगर रिजर्व है वो किस तरह से उसमें कंडीशन है जानवरों को बचाने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए, उसको दिया जाता है आपका कैटेगरी, ठीक है, उसको दिया जाता है एक मानक, उसको बोलते हैं CATS, ठीक है। तो CATS इसको भी मिला हुआ है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को, ठीक है, CATS अप्रूव्ड है, कंजर्वेशन एश्योर टाइगर, अच्छा यहाँ पे लिखा ही हुआ था, बोला गया नहीं है, ठीक है, तो उसके प्रूफ है। उसके बाद नदियाँ इसमें जो बहती है, ठीक है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में, उसका नाम है अलियर नदी, ऊपर नदी, निरार नदी। फॉरेस्ट आपको पता है ईवर ग्रीन, ये सब तो काम का चीज़ है, कुछ नहीं है, सब तो लॉजिक के आधार पर आप सही कर लेंगे। कटहल वटहल मिलता है, तो कटहल ट्रॉपिकल पौधा, जहाँ पानी रहेगा वहीं मिलेगा, ठीक है। एशियाटिक एलिफेंट, सांभर वाम्बर, ये सब कुछ उतना काम का नहीं है, बस याद इसमें क्या रहना, माउस डियर, आप देख रहे हैं कि माउस डियर कहाँ पे मिल रहा है, साउथ इंडिया में है ना। उत्तराखंड की बात करेंगे तो गंगोत्री नेशनल पार्क है, ठीक है,
उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, इंडिया चाइना का बॉर्डर है, गोविंद नेशनल पार्क है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सब कुछ याद करना है। बताइए कि इतना आसान है कि नहीं है, बताइए। अभिषेक, अंशु, हरमन, मनीषा, जागृति, रेणुका, पूजा, पिंकी, उसके बाद भागीरथी नदी, ये नहीं पता है आपको? उत्तराखंड में भागीरथी नदी है, यही जाके आगे गंगा बनती है, ठीक है। हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, तो टेम्परेट ही तो मिलेगा और क्या मिलेगा ठंडा जगह में, ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा, अल्पाइन मिलेगा, ठीक है, स्क्रब मिलेगा, कांटीला, थोड़ा ड्राई डल ड्राई अल्पाइन मिलेगा, ठीक है। फौना में देखेंगे तो ये सब मैंने बताया था, टेम्परेट फॉरेस्ट ही सब, पाइन, देवदार, ओक, रोडेंड्रॉन, ब्लैक बियर, काल, देखो ये नॉर्मल आपको भालू नहीं है, ये ब्लैक बियर है ना, फिर ब्राउन बियर, ब्राउन बियर जो है वो आपको मिल जाएगा इंडिया में, हिमालयन मोनाल, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मोनाल क्या होता है था, मतलब बकरी बकरी टाइप होता होगा, देखिए नीलगिरी, तार नीलगिरी में मिलेगा और वो सब पहाड़ में मिलता है, तो ये भी पहाड़ में मिलेगा, हिमालयन तार ना, मस्क डियर, कस्तूरी मृग और स्नो लेपर्ड मिलेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, यूपीएससी क्वेश्चन जो बनाता है वो ओवरऑल आपको बनाता है, बहुत ही फैक्चुअल नहीं, मस्क डियर से कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करने से, हमने आपको बार बार बोला स्टिकी नोट्स जो है आप लोग खाली टॉपिक सब टॉपिक लिख के पूरा दीवार में चिपका दो, राइट, और उसको बार बार देखेंगे अपने आप दिमाग पूरा रिकॉल कर लेगा, ठीक है, और बहुत फास्ट रिविज़न होता है इससे। फिर उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, और इसमें कोई काम का नहीं है ये सब, ठीक है। इंडिया नेपाल का बॉर्डर में, तो ये तो नॉर्मल बात है, वो यूपी तो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता ही है, और किसके साथ करेगा, ठीक है। किशनपुर, कटनिया घाट, ये भी CATS अप्रूव्ड है, बर्ड एरिया है, बर्ड तो मिलता ही है। नदियाँ हैं सुहेली, मोहना, जोरहा, शारदा और उल नदी, ठीक है। कोई फेमस नदी नहीं है दुधवा में, बस फेमस नदी क्या है, शारदा नदी, बस बाकी सब नॉर्मल नदी है, ठीक है। डेसीडियस फॉरेस्ट मिलेगा और ये हाथी वाथी ये सब मिलता है, और क्या है पढ़ना, ठीक है, क्लियर। आप कुछ स्पीसीज के बारे में देख लेते हैं जो न्यूज़ में था, ठीक है। चलिए तो क्या लिखा हुआ, ठीक है, देखो आपको पता है कि साइट्स, आपको पता है ना कि हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में चेंज किए हैं, शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में किसको रखें, जो साइट्स के अंदर जिसको कवर्ड है उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में डाल दिया, कल पढ़ाया था ना। चलिए तो अब देखो, अगर हंगुल की बात करेंगे तो इसको कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं, कितना सुंदर लग रहा है ये, ठीक है। तो ठीक है, इसका पॉपुलेशन बढ़ा है 10%, ठीक है, नॉर्मल बात है। सरकार देखो किस, कभी भी यूपीएससी इस टाइप का ऑप्शन नहीं देगा कि इसका घटा है पॉपुलेशन, क्योंकि उसे इंडिया को नेगेटिव सेंस में दिखाया जाएगा, है ना। इसीलिए जब भी इंडिया को नेगेटिव सेंस में दिखाया जाए, जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में बताया जाए, जब भी दिखाया जाए कि भारत किसी से पीछे है या ऐसे है वैसे है, तो आप समझ लेना वो ऑप्शन ज़्यादा चांस है गलत होने का। जो फैक्चुअल है जिसमें इंडिया पीछे है वो ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन कभी भी यूपीएससी इस टाइप का ऑप्शन नहीं देगा जिसमें वो जानबूझ के आपको इंडिया को बैक दिखाएगा, पीछे दिखाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए ठीक है, बढ़े आगे। तो इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम बात करें 1972 में, तो शेड्यूल 1 में, ठीक है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, ठीक, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये IUCN में, और
जो भारत सरकार का प्रोग्राम है स्पीसी 22 जानवरों को संरक्षण देने का, उसके अंदर इसको कवर किया गया। नाम से ही पता चल रहा है कश्मीर, तो कहाँ रहेगा भैया, तो कश्मीर में रहेगा। अब देख लो चारों तरफ से बर्फ से घिरा हुआ है, तो डेंस रिवराइन फॉरेस्ट जिसमें जो जंगल नदी वदी भरा हुआ है, हाई वैली मतलब बहुत ऊंचाई में रहता है और पानी से घिरा है, वहीं पे ये रहेगा। ठीक है, माउंटेन्स में जम्मू एंड कश्मीर रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर का ये स्टेट एनिमल भी है। ठीक है, द चिंगम जो नेशनल पार्क है अभी मात्र इसी में मिल रहा है, और तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तराल के बारे में ध्यान रखिएगा कहाँ पे है तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, प्रोजेक्ट हंगुल, इसको हंगुल हंगुल लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो प्रोजेक्ट हंगुल इसको हम लेके आए, जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल। नीलगिरी तार के बात कर बारे में बात करेंगे, तो भारत तमिलनाडु की सरकार प्रोजेक्ट नीलगिरी तार लेके आई है, इंडेंजर्ड है ये, हमने ऐसे याद किया। नीलगिरी बोलिए, नीलगिरी नीलगिरी नीलगिरी, तो ना जो है आता होगा जा ना, तो इंडेंजर्ड ऐसे करके याद कीजिए। ठीक है, वाइल्ड प्रोटेक्शन के शेड्यूल वन में है, ये भी स्पीसी रिकवरी प्रोग्राम भारत सरकार का है, 22 उसके अंदर ये कवर है, 22 जनवरी में से ये। ठीक है, और एकमात्र मतलब पहाड़ पर रहने वाला जो है आपका क्या है, बकरी टाइप का है। ठीक है, इसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वरायाडू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वरायाडू, जो शिल्पादिकरम है ना। ठीक है, और शिव कासिन दमानी जो है, कासिंद मानी, कासिंद मनी है ना, शिव कासिंद मनी, उसमें इसका बारे में डिस्क्रिप्शन है। हैबिटेट कहाँ है, तो वेस्टर्न घाट में, एंडेमिक है मतलब वहीं पे मिलता है। इराविकुलम नेशनल पार्क जो हमारा अन्नामलाई हिल में केरला में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये मिलता है नीलगिरी तार, साउथ इंडिया में मिलता है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, इसीलिए तो तमिलनाडु जो है उसको संरक्षण करने के प्रोजेक्ट नीलगिरी तार लेकर है। तमिलनाडु इसको 7 डिक्लेयर किया नीलगिरी तार डे, कोई काम पर नहीं है। ठीक है, आपके लिए नहीं है, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, यूपीएससी का पेपर हो रहा है। ठीक है, तो संघाई डियर के बारे में बात करेंगे, तो मणिपुर में है। ठीक है, यहीं पे लोकटक झील है, उसको बचाने के लिए संघाई डियर को तो आगे बढ़ रहा है मणिपुर की गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी क्या है, संघाई नीलगिरी इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन नेट का शेड्यूल वन में है, और जो स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम है 22 उसके अंदर इसको भी स्थान दिया गया है। ठीक, इसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं, क्योंकि जिस घास पे ये आपका चलता है वो घास हिलते रहती है, तो लगता है कि ये डांस कर रहा है। ठीक है, केबुलाम जो नेशनल पार्क जो हमारा है उसमें अंदर लोकटक झील है, उसमें जो घास है उसी के ऊपर ये चलती है, फोमडी जिसको बोलते हैं, लोकटक झील, ये सब उन्होंने बता दिया। लोकटक झील जो है रामसर साइट्स है, उसके मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में इसको स्थान दिया गया है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के अंदर भी ये कवर्ड है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में। ठीक है, और मणिपुर का स्टेट एनिमल है पेंगोलिन की बात करेंगे, ऑलरेडी हमने चर्चा कर दिया है, दो टाइप का पेंगोलिन होता है, चाइनीज और इंडियन। ठीक है, चाइनीज पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडियन पेंगोलिन जो है वो क्या है, इंडेंजर्ड है। ठीक, साइट्स के अपेंडिक्स वन में है, एकमात्र मैमल है भारत में जिसका बॉडी जो है स्केल से कवर होता है, स्केल्ड से। ठीक है, स्केल मतलब ये आप देख रहे हो, ये ऐसे से ढका हुआ है ना इससे। उसके बाद जो मेल होता है वो फीमेल का साइज का 1/3 होता है, उससे बड़ा, 1/3 बड़ा होता है, मेल बड़ा होता है। ठीक है, और ये बॉल में अपने को तुरंत रोल कर लेता है जब इसको खतरे में लगता है, तो ये सब हमने पढ़ा था ना, कौन अपने रोल कर लेता है, ऑप्शन में था पेंगोलिन था, ठीक है, हेज हॉग था, ये सब था ना, PYQ में हमने डिस्कस किया था आपको याद होगा तो। ठीक है, फिर अफ्रीका में भी पेंगोलिन मिलता है, ब्लैक बेलीड, वाइट बेल, बेली मतलब होता है पेट, तो ब्लैक पेट वाला पेंगोलिन, वाइट पेट वाला पेंगोलिन। ठीक है, तो ये सारा मिलता है, और जो एशिया में मिलता है वो इंडियन पेंगोलिन, फिलीपींस सुंडा पेंगोलिन, चाइनीज़ पेंगोलिन। तो चाइनीज़ पेंगोलिन क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और इंडियन पेंगोलिन क्या है, इंडेंजर्ड है। ठीक, हुलॉक गिबन आप देखो, आपको देख रहा है, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, देखो ध्यान से देखो, देख रहा है आपको। ठीक है, तो ये जो है भारत का एकमात्र जो है लंगूर है, हुलॉक गिबन। ठीक है, IUCN में स्टेटस इसका क्या है, इंडेंजर्ड है। ठीक है, कौन वाला, दो टाइप का गिबन है, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न, तो वेस्ट वाला क्या है, इंडेंजर्ड है। ठीक है, और ईस्ट वाला क्या है, वल्नरेबल। आप ऐसे याद कर लो, ये इंडिया है, तो इंडिया का जो वेस्ट पार्ट है वो बहुत ही इंडेंजर्ड वाला एरिया है ना, बहुत पानी वानी वानी रहता है, तो ये भी गिबन जो वेस्ट वाला है वो इंडेंजर्ड है, और जो ईस्ट वाला है वो क्या है, वल्नरेबल है।
शेड्यूल वन में है, अपेंडिक्स वन में है, ठीक है। और सबसे तेज़ी से, सबसे तेज फास्टेस्ट होता है, ठीक है ये। और नदियों के आसपास रहता है, कीड़ा मकोड़ा ये फल फूल खाता है, ठीक। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो जंगल में ही रहेगा, और कहाँ रहेगा लंगूर, घास के मैदान में थोड़ी दौड़ेगा, ठीक है। तो जंगल में ही रहता है ये, ठीक है। और भारत के नॉर्थ ईस्ट में आपको हुलॉक गिबन ये सब मिल जाएगा। आगे पढ़ते हैं, नाम दफा फहराएंगे स्क्विरल, ये देखो उड़न बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत दूर दूर ये जंप करती है, इसलिए इसको लगता है ये उड़ रही है, फ्लाई कर रही है। नामदफा नेशनल पार्क में आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये भी, ये क्या है दोस्तों, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, शेड्यूल वन में ये है, इसको खतरा है, शिकार विकार हो रहा है, साला आदमी इसको भी नहीं खा छोड़ रहा है, बताओ, ठीक है। और माउंटेन फॉरेस्ट में रहती है, क्योंकि देखो माउंटेन में ही बड़ा बड़ा आपको ऊंचा ऊंचा पेड़ दिखेगा, तो यहाँ से यहाँ जंप करती है तो लगता है उड़ रहा है। तो माउंटेन फॉरेस्ट में आपको ये मिलेगा, मॉइस्ट एरिया में, आर्द वाला में, ठीक है, नदियों के आसपास का। ढोले, ठीक है, इसको वाइल्ड डॉग बोलते हैं, एशियन एशियन वाइल्ड डॉग, ठीक है। ये क्या है, इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के शेड्यूल वन में है, साइट्स के अपेंडिक्स टू में, ठीक है। और कर्नाटक में देखा गया, ये उतना कुछ काम का उतना नहीं है। भारत के सेंट्रल साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिलेगा, कार्निवोर है, कार्निवोर में तो मतलब मांसाहारी है, ठीक है। तो कुत्ता, कुत्ता है मांसाहारी, ये वाला कुत्ता, ये रोटी नहीं खाएगा, ठीक है। इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड में ये रहेगा। और दिक्कत यही है कि शिकार विकार हो रहा है, इसका आवास जो है ख़त्म हो रहा है। ढोले को बचाने के लिए ढोले कंजर्वेशन प्रोग्राम भी है, ढोले मतलब वही कुत्ता ऊपर वाला जो देखे। ये क्या है, इकिडना, ठीक है, ये भी अपने को क्या करता है, रोल कर लेता है, ठीक है। इंडोनेशिया में दोबारा जिसको देखा गया था, ठीक है। और डेविड जो एटन बरो थे, उन्हीं के नाम पे इसको नाम किया गया, कर किया गया एटन बरो इकिडना, ठीक है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, चार इकिडना में से एक है। लॉन्ग बिक होता है, बिक का मतलब क्या होता है, ये चोंच, शायद ना चोंच होता है इसका। और नॉक्टर्नल होता है, रात में निकलता है, और बहुत ही शर्मीला होता है, ठीक है। अंडा देता है ये, अंडा देने वाला मैमल है, ठीक है। हमने आपको बताया था ना कि अंडा जो मैमल देता है अंडा, बहुत कम मैमल होते हैं स्तनधारी जो आपका अंडा देता है। एक इकिडना हो गया ये, और एक आपका और है, हमने पढ़ाया था ना आपको, क्या पढ़ाया था, स्पाइनी एंटीटर, यही पढ़ाए थे ना, तो यही तो है एंटीटर, स्पाइनी, स्पाइंस लगा होता है, देखो स्पाइंस है, ठीक है, और एंट आता है ये, ठीक है, ठीक है। इसका टूथलेस बीक होता है, मतलब दांत नहीं होगा, चोंच में दांत नहीं होता है, ठीक है। तो दो मैमल अंडा देता है, एक है डक विल्ड पेलिटपस, और एक आपका है यही इकिडना, ठीक है। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। इंपरर पेंगुइन है, ठीक है, इंपरर पेंगुइन जो है, आपको पता है अंटार्कटिका में पेंगुइन, बताइए आर्कटिक में पेंगुइन मिलता है कि अंटार्कटिक में पेंगुइन मिलता है? आर्कटिक में क्या मिलता है, पोलर बियर, और अंटार्कटिक में क्या मिलता है, पेंगुइन, ठीक है। तो अंटार्कटिक आइलैंड में क्या मिलेगा, पेंगुइन मिलेगा, ठीक है। ये उड़ता नहीं है, फ्लाइटलेस, अपने पेंगुइन को उड़ते, बहुत भारी होता, उड़ेगा कैसे, कौन सा नेम कन्फ्यूजन है, थोड़ा थोड़ा याद करिए, पूरा याद करना नहीं है। इकिडना, इकिडना मतलब कुछ, इकिडना से कीड़ा आ रहा है ना, कीड़ा खाता है, ऐसे करके याद कर लो। अब नीलगिरी तहार याद करना है, नीलगिरी तहार, तो नीलगिरी तो याद हो जाएगा, तहार है तो याद कर लो, बकरा को टहला रहे हैं, ऐसे कैसे भी करके याद कर लीजिए। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा, ये से थोड़ा है, डक बिल्ड, तो डक है ना, डक मतलब होता है क्या आपको, बतख, वाइल्ड मतलब तो उसी तरह जानवर ही तो हो गया ना, यूकेलिप्टस नहीं है ये, पूरा है नाम इसका है डक बिल्ड पेलिटपस, ठीक है। तो हैबिटेट का यहाँ है इसका, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में, तस्मानिया में ये रहता है, इंडिया में नहीं मिलता है, ठीक है। पेंगुइन की बात करेंगे, पेंगुइन के बारे में, तो इसको नुकसान हो रहा है, पानी वानी बढ़ रहा है, नियर थ्रेटेंड है ये, ठीक है। और झुंड में रहता है, कार्निवोर होता है, सब्जी थोड़ी खाएगा, आलू आलू कौन देगा इसको लाके वहाँ पे, तो कार्निवोर होता है ये, ठीक है। अंडा देता है, अंटार्कटिका में रहता है, ठीक है ना।
हाल ही में जो FSSAI है, ठीक है, उसने रिकॉग्नाइज किया मिथुन को। मिथुन कौन है? जंगली भैंसा, ठीक है, उसको फूड एनिमल के रूप में हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है। ये मिथुन फूड एनिमल कौन होता है? तो फूड एनिमल क्या होता है? फूड एनिमल वो एनिमल होता है जिसको आदमी खाने के लिए या कंजम्पशन के लिए पालता है, ठीक है, मिथुन को, ठीक है, अपेंडिक्स में है, साइड्स वन में इसका दूध पिया गया जो भी, ठीक है। तो स्पीसीज है ये, रूमिनेंट फैमिली है, मतलब जो जुगाली करता है वो रूमिनेंट कहलाता है। इसको गौर या इंडियन बिसन के जैसा ही होता है, लेकिन छोटा होता है। ये जंगली भैंसा थोड़ा सा छोटा होगा, गौर से थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। और ये रहता है आपको 3 से 3 किलोमीटर, 300 मीटर से 3 किलोमीटर हाइट तक आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। और सब पॉपुलेशन मैक्सिमम इंडिया में है और बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना में भी है, अरुणाचल प्रदेश, मतलब समझ लो भारत के नॉर्थ ईस्ट में ये आपको मिलेगा, ठीक है। ठीक है, ये मिथुन है, इंडियन बिसोन नहीं है, इंडियन बिसोन अलग है ना। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का स्टेट एनिमल है, बस यही सब याद रखना है। उसके बाद एवियन स्पीसीज है, उड़ने वाला, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वर्क शेड्यूल वन में, अपेंडिक्स वन में, साइट्स में, रिकवरी प्रोग्राम में है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंडेमिक है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ मिलता है? तो इंडिया में मिलेगा, थोड़ा सा पाकिस्तान में भी ये मिलता है। ओमनीवोरस है, मतलब मांस मछली सब खा लेता है, आदमी कोई काम नहीं करता है, ठीक है। जन्म देता है माता और बच्चे का बाल करती है यही मादा, आदमी कोई नहीं काम करता है, महा आलसी आदमी रहता है। कौन? आपका ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन, ये सारा जो है बस्टर्ड का प्रजाति है, ठीक। इसको सोन चिड़िया भी बोलते हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि सुनहरा कलर का होता है, और गोदावन भी बोलते हैं राजस्थान में, और मालढोक भी बोलते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आपको UPSC पूछ सकता है कि मालढोक गोदावन क्या है, तो ये चिड़िया का मतलब बस्टर्ड का जो है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वो नाम है, ठीक। तो ये दिक्कत यही सब हो रहा है, इलेक्ट्रिक का तार से दिक्कत हो रहा है, और गांव में कुत्ता उत्ता हो रहा है तो उसको भी उसको नुकसान हो रहा है, ठीक। ये राजस्थान, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा, राजस्थान में सबसे ज़्यादा ये है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, ठीक। आगे देखते हैं वेस्टर्न ट्रैगोपान, ये क्या है? पक्षी है, ठीक। कितना सुंदर लग रहा है, इसका मुंह किधर है? अच्छा, ये चोंच है इसका, ठीक है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा, सराहन फिजेंट्री, कबूतर टाइप होता है, वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स वन में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है, ठीक है। और टेम्परेट फॉरेस्ट तो है उत्तराखंड में, और डेसीडियस में मिलेगा, बात ख़त्म, ठीक है। और इंडेमिक है भारत हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में मिलता है, हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है। देखे होंगे जो उधर का होगा, पहाड़ी एरिया का, ये देखा होगा, ठीक है, क्योंकि वल्नरेबल है तो दिख जाएगा, है ना। चलिए, डोडो है, डोडो बेचारा चल गया तेल लेने, मैं तेल लेने मतलब एक्सटिंक्ट हो चुका है ये, ठीक है। ये आपको मिलता था पहले यहाँ पे, क्या बोलते हैं, मॉरीशस से में ये पहले मिलता था, वहाँ से विलुप्त हो चुका है, ठीक है। कबूतर जैसा होता है ये डोडो, तो इसको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, डोडो आता था ना कार्टून, वो वाला बच्चे वाला, ठीक है। तो निकोबार पिजन जो है उसी के जैसा ही है, उसका रिलेटिव होता है, ठीक है। फिर मैंग्रोव पित्ताबर्ड, ये भी कितना सुंदर लग रहा है देखो, ठीक है। मैंग्रोव उड़ीसा में आपको मिलता है ये, हाँ, कार्टून, ठीक है। नियर थ्रेटेंड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में ये है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और कुछ इसमें काम का कुछ नहीं है। चलिए, मैनग्रोव में रहेगा तो पता है आपको, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में रहेगा। उसके बाद पेंटेड स्टॉर्क है, एक पक्षी है, कहाँ पे है भाई? साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश में, ईस्टर्न घाट में, नियर थ्रेटेंड है। ये सब पक्षी कितना अच्छा लग रहा है,
पेंटेड स्टोर, पेंट लग रहा है, पेंट कर दिया इसलिए नाम है पेंटेड स्टोर, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये आपको जो है बच्चा कब देता है ये कोई काम का इसमें नहीं है, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया दोनों जगह रह रहा है, ठीक है। और ये सब क्यों देता है यार, लॉन्ग व्हील हैवी येलो बीक, कभी पूछेगा चोंच कैसा होता है इसका, सबका फोटो दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, कि ये का ऐसा होता है पेंटेड स्टॉर्क ऐसा होता है, ठीक है। फ्रेश वाटर में है, मिलता है पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका, मेन इसमें क्या पूछता है कि कहाँ पे वो है, ठीक है। सरकारी नौकरी बोल रहे हैं कि सर आपका वॉइस बहुत टायर्ड सा लग रहा है, कोई नहीं अच्छे से बोल रहे हैं जोर से आप, चलिए। तो अब तो इसमें हमें पढ़ना होता है कि कहाँ पे पाया जाता है, हैबिटेट उसका क्या क्या है, और स्पीसीज का कुछ विशेषता है, तो बाकी चोंच कितना लंबा होता है, कब बच्चा जन्म देता है, कब उड़ के आता है, वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। कहाँ पे रह रहा है वो, क्या उसका विशेषता, एक दो ठो बात ख़त्म, ठीक है। उसके बाद एक्वेटिक मतलब जलीय देखेंगे, घोल, ठीक है, या ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर मछली होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है ये, और स्टेट फिश है ये, ठीक है, गुजरात है इसको बहुत एक्सपोर्ट करता है, इसका प्रयोग बहुत चीज़ों में होता है, कॉस्मेटिक्स में, मेडिसिन में। फिर इनसिंग क्या नाम है ये, आइसिंग ग्लास बनाने में, ठीक है, कोलेजन में, मेनली फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ वाइन और बियर, वाह, दारू वारू को साफ करने के कारण भी ये मछली का यूज जो है होता है। इंडो इंडिया पैसिफिक से, पर्सियन गल्फ से, बहुत मतलब पूरा वास्ट इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। घोल याद रखिए, न्यूज़ में भी था, ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर, देखो स्पॉट है इसमें, है ना, ब्लैक क्रॉकर, ठीक है। क्रॉक क्रॉक मतलब कुछ बोलता होगा, आप देखो कीड़ा मकोड़ा के बारे में पढ़ लेते हैं, यूपीएससी सब चीज़ पढ़वा देता है, नहीं घड़ियाल के बारे में, तो घड़ियाल आपको पता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इंडिया में, घड़ियाल जो दोस्तों कहाँ मिलता है, तो चंबल में है ना, हाल ही में उड़ीसा में भी देखा गया है, ठीक है। साइट्स के अपेंडिक्स वन में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के शेड्यूल वन में, ठीक है। उसके बाद जो है और इसमें क्या काम का है, कुछ मछली खाता है, ठीक है, जनरली मछली खाता है, ऐसे मुंह इसका निकला होता है, देखो ऐसे करके हंस रहा है, हा, अरे ऐसे करके ऐसे निकला होता है ये नथुना, ठीक है। पानी के नज़दीक ही रहता है ये, पानी से ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। उसके बाद और क्या काम इसका है, कुछ बस पानी के नज़दीक रहेगा तो समझ लो नदी में रहेगा, इसमें और क्या पढ़ना है, यमुना की सहायक नदी, बात ख़त्म, आगे पढ़ते हैं। ये है रेड सैंड बोवा, ठीक है, बोवा के बारे में भी पढ़े थे हम लोगों ने, बोवा क्या है, ओवो वीवी पेरस पढ़ाया था ना, अंडा भी अंडा देता है, लेकिन जब ये जब बच्चा जन्म दे देता है, अंडा रहेगा पेट में लेकिन जब बच्चा जन्म देगा तो बच्चे के रूप में होगा, अंडे के रूप में नहीं, उसको ओवो वीवी पेरस बोलते हैं, पढ़ाया था ना, ठीक है। तो ये हो गया, नियर थ्रेटेंड है ये, ठीक है, बोवा, ठीक है, इंडिया में मिलता है, बस इतना याद रखना है, बोवा, ठीक है। दो हेडेड स्नेक है, दो मुंहवा सांप जो बोलते हैं ना, एक इधर मुंह है एक इधर मुंह है, दोनों तरफ चलता है, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है, मतलब आदमी कुछ भी करेगा, ठीक है, आदमी इसके लिए ब्लैक मैजिक में ये प्रयोग कर लेता है, कॉस्मेटिक्स इसका, आप लड़की लोग जो लगाती है अपने, फेयर एंड लवली ये सब, सॉरी फेयर एंड लवली नहीं, और भी जो होता होगा महंगा महंगा मेडिसिन भयंकर वाला, उसमें सांप से बनता है, देखिए क्या क्या लगाते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद डांसिंग फ्रॉग, लड़का लोग भी लगाता है डांसिंग फ्रॉग, देखिए डांस कर रहा है पैर उठा के, है ना, पैर उठा के डांस कर रहा है, देखो बोल रहा है कि हमारा डांस देखो, ठीक है। चलिए उसके बाद ये डांसिंग फ्रॉग वेस्टर्न घाट में है आपका, नटराज का मूर्ति कहाँ से मिला है डांसिंग पोज में आपको, साउथ इंडिया से ना, चोल से, तो यहीं से वो भी है, उसी टाइप का याद कर लो, वेस्टर्न घाट से मिला है, ठीक है। और अम्फीबियन जो असेसमेंट सर्वे IUCN का उसमें है, ठीक है। प्रोटेक्शन अगर बात करेंगे तो वल्नरेबल है ये, इंडेंजर्ड है दोनों है, अगर नीलगिरी आ जाए तो वल्नरेबल, वाइट वाला आ जाए तो इंडेंजर्ड, ठीक है। फुट फ्लैगिंग करता है ये, हाथ पैर पूरा स्ट्रेच करके डांस करता है,
ठीक है, ये सारा चीज़ है। आगे देखते हैं, इंडेमिक है मतलब याद रखना कि वेस्टर्न घाट में ही मिलता है। मोटा मोटा अगर हमको क्वेश्चन बनाना होगा तो हम क्या बनाएंगे कि डांसिंग फ्रॉग कहाँ मिलता है मेनली, तो वेस्टर्न घाट में इंडेमिक है। इंडेमिक मतलब वहीं मिल रहा है और कहीं नहीं, ठीक है। IUCN वल्नरेबल भी है, एंडेंजर्ड भी है, डिपेंड है। ये क्या है, ये क्या है भाई, येलो बेलीड सी स्नेक, ठीक है, पेलामिस प्लेटूरस, ठीक है, ये सांप है। येलो बेली मतलब होता है पेट, तो देखो इसका पेट पीला पीला है, बहुत ही जहरीला होता है ये, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में आपको मिलता है, अरेबियन सी के आसपास देखा गया था, बे ऑफ बंगाल में जनरली अरेबियन सी में ये मिलता है, लिस्ट कंसर्न है ये, ठीक है। ये तो कोई काम का है यार कि बाई कलर होता है, जब यहाँ पे दिख ही रहा है बाई कलर, दो कलर का, ये सब क्या पढ़ना है झूठ मूठ का। या स्विम कर सकता है, अरेबियन सी में, सी में रहेगा तो स्विम करेगा, नहीं तो तैरेगा क्या, चल चलिए चलेगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद है गुच्ची मशरूम, मोदी जी को बहुत पसंद है, ठीक है, खाते थे, बहुत महंगा मिलता है ये, 50,000 रुपये किलो, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलता है, ये पहाड़ी एरिया में, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में मिलता है, ठीक है। विटामिन डी बहुत मिलता है, रिच इन पोटेशियम। मित्रों परिवार जनों ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो इसको मोरेल मशरूम भी बोलते हैं, ठीक है, मोरेल मशरूम बोलते हैं, और बहुत सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट फंगी है वर्ल्ड का, ठीक है। और ये सड़ा हुआ लकड़ी में ग्रो होता है, फंगस है, डेड बॉडी में होगा, ठीक है। इसको हम कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, इसको ग्रो अपने आप ये होता है किसी जगह पे, और एक जगह पे जहाँ ग्रो हो गया दोबारा नहीं होता, इसीलिए महंगा है। होता है ना कि शौक रखो तो बहुत बड़ा, इसीलिए मोदी जी ऐसा चीज़ खाते हैं जो हम लोग नहीं खा सकते, है ना। चलिए, बाओबा, ठीक है, देखो ऐसा पेड़ होता है, इसका जो ये होता है ट्रंक बहुत मोटा होता है, ठीक है, और ये ऐसे करके होता है, बगलोला टाइप लगता है देखने में, ठीक है। तो इसको सेंट्रल भील जो ट्राइब है मध्य भारत का, वो अपोज कर रही है कि बाओबा लगाने की, जनरली ये अफ्रीका में लगा का पेड़ है, ठीक है, ठीक है, अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया में। आलिया भट्ट भी खाती है, आलिया भट्ट खा सकती है, वो लोग बहुत वो है ना, हम लोग नहीं कंपेयर कर सकते ना वो सब, वो आलिया भट्ट है। उसको पर पूछा था कि प्रधान राष्ट्रपति कौन है भारत के, तो नहीं पता, ठीक है। चलिए, लिस्ट कंसर्न है तो बहुत मोटा ट्रंक होता है, आप देखे होंगे, मोटा दे फोटो कली देख लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। और इसका फ्लावर भी होता है, पेंडुलस फ्लावर, चमगादड़, ये सब उसको पोलिनेशन करता है। चलिए, फिर है जेंटियाना कुर्रू, ठीक है, ये फूल है जेंटियाना फूल, ठीक है, नीला नीला होता है, ये आपको हिमालय, हिमालय में, हिमालय को जेंटियन या ट्राइमैन भी बोलते हैं। अब हमने देखा था ना ट्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे था, ये आपका जम्मू, जम्मू कश्मीर के आसपास है ना, तो उस तरह से ये भी है, उधर ही ट्राईमैन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ब्लू कलर का फूल होता है, हर्ब होता है, ये तो फोटो देख के ही लग रहा है, उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर याद कर लो, बस इतना काम का रहेगा। नेपाल पाकिस्तान में मिलता है, आगे पढ़ेंगे। और कुछ स्पीसीज को डिस्कवर किया गया था जिससे नाम है इम्पेटियंस करूपू सामी, ठीक है, ये क्या है, प्लांट स्पीसीज है, कहाँ मिला, तमिलनाडु के कलक्कड़ मुंडन थुरई में मिला, ठीक। अब ये सब कोई काम का नहीं है, केस कुरुप्पु स्वामी क्या थे, ये सब कोई काम का थोड़ी है, क्या है बस ये प्लांट है, इतने याद रख लो, नाम से पता चल रहा है, इम्पेंट इम्पेंटी इम्पेंटियन से याद कर लो, प्लांट टाइप का कुछ है इस टाइप से। फिर है लाइसियो नोटस नाम चूमी, ठीक है, ऐसा ऐसा नाम रहेगा कि उच्चारण भी नहीं कर पाए बढ़िया से, ठीक है। ये एपीफाइटिक प्लांट है, एपीफाइटिक प्लांट का मतलब होता है जो दूसरे पे सपोर्ट के लिए रहता है, और जनरली एपीफाइटिक प्लांट आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट
में मिलता है, ठीक है। तो जो हमारा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने इसको आइडेंटिफाई किया, ये हिमालय में, जापान में, इंडो चाइना में मिलता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि खपटी कम्युनिटी कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। उसके एक समाज सुधारक थे, नाम था चाओ फुंगकियाओ नामचून, उनके नाम पे हुआ है, ठीक है। तो हमको याद रखना है बस खमटी कम्युनिटी याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद करकुमा काकचिंगेन्स जो भी है, ये फूल है, बस इतना याद रख लो, ठीक है। फिर है क्राइटो डेक्लेटस, ऐसा बकवास चीज़ नहीं पूछता है, ठीक है। इसको बस एक बार खाली फूल वूल का थोड़ा सा देख लो कि कौन कहाँ पे है, मोटा मोटा क्या है ये, बस उतना ही है। ये गेको है, गेको मन छिपकली है, बस इतना याद रखेंगे हम। नोवा देहिंग म्यूजिक फ्रॉग, ये फ्रॉग है। नोवा देहिंग आपको पता है अरुणाचल प्रदेश के आसपास का एरिया। फिर है बेटिलिपिस कलामी, ठीक है, अब्दुल कलाम पे नाम हुआ, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? तो मेरिन टार्डीग्रेड है, ठीक है। टार्डीग्रेड मतलब क्या, कुछ होगा है ना? टार्डीग्रेड मतलब वाटर बियर्स, भालू, माइक्रोस्कोपी अलगी टाइप होता है, छोटा छोटा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, काहे कि कौन सा प्लानट था तो उसमें टार्डीग्रेड को भेजा गया था, छोटा छोटा चीज़ को, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। ये कला क्या है? तो 8 पैर का माइक्रोस्कोपिक वो है, एनिमल है, ठीक। फिर है आर्मागेडन रीड टेल, ठीक है, वेस्टर्न घाट में मिलता है। जनरली आप देख रहे होगे सब वेस्टर्न घाट में ज़्यादा मिल रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वेस्टर्न घाट में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, पानी वानी भी ठीक होता है। तो ये या तो वेस्टर्न घाट या तो फिर नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर आपको मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भी आपको क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। फिर है बेडिस लिमा कुमी, क्या है भाई, मछली है। मिलाक नदी नागालैंड में, ये इंपॉर्टेंट है, मिलाक नदी कहाँ पे है? नागालैंड में। ऐसे याद करना है हमको तो ऐसे याद करेंगे, नाग मिला की नहीं, नाग मिला की नहीं, बस हो गया और क्या, ठीक है। उसके बाद टेरी गोट्रिगला इंटर मेडिका, ठीक है, मेरिन फिश है, वेस्ट बंगाल का, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन जानवर कहाँ मिला, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले हम लेंगे छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक।
चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इको सेंसिटिव जोन। हमने ऑलरेडी इसका स्टैटिक पढ़ लिया है, थोड़ा सा इसमें देख लेंगे। इको सेंसिटिव जोन इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि हाल ही में दचेगम जो नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, अभी हमने देखा इसके बारे में पढ़ा जब हमने बात की आपका हंगुल के बारे में। ठीक है, फिर ध्वाजा, अब ध्वाजा से याद कर लीजिए ख्वाजा, ख्वाजा मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब जम्मू एंड कश्मीर, इस तरह से याद कर लीजिए। बलतल जो है हमारा है, या ओवेरू अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर में, उसको इको सेंसिटिव जोन जो है डिक्लेयर करने की बात की गई है। कौन डिक्लेयर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करता है। कौन से एक्ट के अंदर? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन जो होता है वो शॉक एब्जॉर्बर होता है, प्रोटेक्टेड एरिया के बगल में 10 किलोमीटर का जनरली जो डिस्टेंस होता है प्रोटेक्टेड एरिया से। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, ये सब के 10 किलोमीटर के दूर जो है इको सेंसिटिव जोन जो है हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ताकि वो बफर जोन का काम करे, शॉक एब्जॉर्बर का काम करे। ठीक है, तो 10 किलोमीटर का जो एरिया होता है नेशनल पार्क से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, उसको इको सेंसिटिव जोन जो है इको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक ये बोल दिया है कि अगर कोई भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके 1 किलोमीटर का कम से कम एरिया में इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर अपने आप कर देना चाहिए, ऐसा मैंडेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो इको सेंसिटिव जोन में अगर कोई एरिया डिक्लेयर होता है तो उसमें ये ऐसा नहीं होगा कि सारा चीज़ उसमें पाबंदी लग गया होगा। उसमें जितने भी एक्टिविटी हैं, 3 टाइप का एक्टिविटी है, कुछ एक्टिविटी को परमिट कर दिया जाता है, जो रिन्यूएबल एनर्जी होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा। ठीक है, लोकल कम्युनिटी कुछ अगर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर पहले से करता आ रहा है तब कुछ को प्रोहिबिट कर दिया होगा। जैसे माइनिंग आप नहीं कर सकते, कॉमर्शियल माइनिंग, आप 100 मील मतलब लकड़ी का आरा मशीन आप नहीं लगा सकते, पोल्यूशन वाला इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते। मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट मतलब जिसका 25 मेगावाट से अधिक होता है उसको मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रखते हैं। ठीक है, और कुछ एक्टिविटी रेगुलेट होगा, मतलब कर सकते हो लेकिन रेगुलेशन होगा, जैसे एग्रीकल्चर को गिराना, उसमें ड्रास्टिक चेंज करना, पेड़ पौधा को गिराना। ठीक है, वो कर सकते हो लेकिन रेगुलेशन होगा। पानी का कॉमर्शियल यूज, ग्राउंड वाटर का कमर्शियल यूज, होटल बनाना, रिसॉर्ट्स बनाना, आपको याद क्या करना है कि कौन सा प्रोहिबिटेड है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो परमिटेड है वो तो याद ही रहेगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारा चीज़। ठीक है, इन्वायरमेंट को ध्यान रखने वाला चीज़, वो सब क्या होगा? परमिटेड होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उसमें और क्या क्या बोला भैया। बस इसमें माइनिंग माइनिंग नहीं होगा नेशनल पार्क के 1 किलोमीटर के दायरे में, बस यही होता है। क्या बोला वो, छोड़ो कोई काम करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दचेगम नेशनल पार्क के बारे में देखो, यहाँ पे है वो। ठीक है, तो एक तरफ लद्दाख है, एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर के, दोनों के बॉर्डरी पे है दचेगम नेशनल पार्क। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है, जो जबरवान माउंटेन रेंज है हिमालय में, वहाँ पर है। डल झील का पानी इसमें आता है। ठीक है, उसके बाद मार्सर जो झील है उसका भी पानी इसमें आता है। ठीक है, हंगूल यहीं पे आपको मिलेगा, हिमालयन ब्राउन बियर, इंडियन लेपर्ड, तेंदुआ भी मिलता है, ग्रे लंगूर, येलो थॉटेड मार्टिन, ये इंपॉर्टेंट है। कोई पूछेगा येलो थॉटेड मार्टिन कहाँ है, तो ठंडे एरिया में मिल रहा है। ठीक है, मैंने दिखाया था एक, आपको याद होगा तो, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल जो है बिल्ली टाइप का होता है। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा, बस यही सब नॉर्मल बात है। वाइट विलो, विलो वही चीज़ होता है जिस पे बैट बनता है ना, क्रिकेट का बल्ला बनता है। एप्रिकॉट मतलब हमने खाते थे जो, वो अभी भी खाते हैं, ओक ओक पॉपुलर का पौधा, ये सब मिलता है। ठीक, यहाँ पे कोई जम्मू कश्मीर का है बताइए? जम्मू कश्मीर अखरोट जो होता है बहुत सस्ता मिलता है और अच्छा। ठीक है, सेंट्रल, उसके बाद है सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक जो है कमेटी बनाया है, CEC बनाया है इन्वायरमेंट इशू को लेके। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में CEC क्या है? तो ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है, परमानेंट स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है, बनाया गया है इसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में, तो स्टेचुटरी हो गई। उसके बाद ये जो है हमारा कमेटी, वो एक बॉडी को रिप्लेस कर देगी। ठीक है, ऑलरेडी पहले एडहॉक CEC बनाए थे, अब परमानेंट CEC हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो एक केस हुआ था तमिलनाडु गोड़ा वर्मन वर्सेस
यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है, तो उसके आदेश को मानते हुए हम लोगों ने परमानेंट बॉडी बना दिया इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ठीक है। इसमें टोटल 6 लोग होंगे और एक चेयरमैन होगा, टोटल 7 लोग हो गया, चेयरमैन, 3 एक्सपर्ट मेंबर, कार्यकाल होगा 3 साल, ठीक है। तो टोटल समझ लो कि 4 लोग होंगे, 4 ही लोग, 3 साल का कार्यकाल होता है। एक कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर होता है जो जिसका रैंक होता है DIG फॉरेस्ट के बराबर, ठीक है, और सबको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो किसी को भी कोई शिकायत है तो उसका डील करेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश को मानेगा, और कोई आदेश नहीं मानता है तो उसका रिपोर्ट कर देगा किसको, सेंटर को, ठीक है। पूरे ड्यूरिडिक्शन में इसको वो है, अथॉरिटी है। और अगर CEC का सलाह अगर राज्य नहीं मांगता है तो सेंटर उसको, सेंटर को वो बताएगा और सेंटर फिर चाहेगा तो उसको मनवा सकता है फाइनल, ठीक है, क्लियर। तो ये CEC के बारे में इम्पोर्टेंट बॉडी है, याद रखिएगा, हाल ही में स्थापना हुआ है, इसीलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। स्टेचुटरी बॉडी है, आदेश मनवा सकता है, जनरली सलाहकार के रूप में होता है, केंद्र को बोलेगा फिर केंद्र मनवा सकता है, ठीक है। टोटल 6 लोग होंगे, 3 से 3 साल का कार्यकाल होगा, बस मोटा मोटा याद कर लीजिए, और कोई काम करना। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ठीक है। इंडिया ने एक जो है कंट्री लेड इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जो यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का एक पार्ट है, देहरादून उत्तराखंड में। अब जंगल उंगल का कर रहा है तो देहरादून में ही होगा, ठीक है ना, ठीक है। और उसके बाद दो एरिया पे कवर है, फॉरेस्ट पे है तो फॉरेस्ट फायर वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट को सस्टेनेबल मैनेजमेंट करेंगे, फॉरेस्ट का सर्टिफिकेशन होगा, बस वही से बोल बचन है इसमें, और कुछ नहीं है, सस्टेनेबल यूज ये वो। उसके लिए हम लोग यूनाइटेड नेशन स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 से 20 जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आम सभा ने किया था, उसमें 6 ग्लोबल फॉरेस्ट का गोल है, 26 टारगेट है जो वॉलेंट्री है, ये इम्पोर्टेंट है। अब जितने भी चीज़ आते हैं मैक्सिमम सिर्फ वॉलेंट्री होता है, अब ज़बरदस्ती आपको सरकार या कोई देश लागू नहीं करवाता है, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्योटो प्रोटोकॉल को लागू करवा के देख लिया, फेल हो गया था, ठीक है। इसीलिए अब जो भी चीज़ आता है जनरली एग्रीमेंट कोई भी, वो आपका वॉलेंट्री ही रहता है, ठीक है, समझ रहे हो सब। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि अबाउट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, सिंपल सा बात है, फॉरेस्ट को सस्टेनेबली मैनेज करना, मतलब यूज भी करेंगे उसको, बचाएंगे भी ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर पाए, है ना, वही होता है, बस वॉलेंट्री है ये। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन भी फॉरेस्ट है हमारा, इसके बारे में UPSC ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है, आपको याद होगा हमने चर्चा भी किया है इसमें, 2014 में ये आया था, ठीक है। इसमें कुछ टारगेट्स था लेकिन एक टाइमलाइन ज़रूर दिया था, लेकिन इंडिया इसको नहीं माना था, आपको पता होगा, इंडिया इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ इट, है ना, मैंने पढ़ाया था, याद होगा आपको, तो याद है ना सबको, बताइए। हरमन जागृति, रेणुका, अभिषेक, सरकारी नौकरी, द्रक्षा, ठीक है, पूजा, सारे लोग, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंपनी सरकार इसको इंडोर्स करती है, भारत सरकार इसको नहीं मानता क्योंकि इसमें टाइमलाइन दिया था, और भारत चाहता है कि टाइमलाइन में फॉलो नहीं करने का, और प्लस उसमें ये भी बोला गया था कि व्यापार को और क्लाइमेट चेंज को रिलेट कर दिया गया था, तो भारत बोला कि यार WTO तो ऑलरेडी हमारा व्यापार के लिए है ही है, तो क्लाइमेट को क्यों उससे रिलेट कर रहे हो, है ना। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट का 7 एलिमेंट है, कोई काम का नहीं है, ऐसे करके इसको ऐसे काटिए, ठीक है, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा जो ये है फॉरेस्ट मैनेजमेंट, उसको मकसद यही है कि 2010 से लेके 21 तक, अरे ये भी कुछ काम का नहीं है, बस इतना में पढ़ना है बस कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो उसको इनक्रेज कर रहा है यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट इन्वायरमेंट, ठीक है, बस ये पढ़ना है हमको कि यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट क्या था, बस और कुछ नहीं। और कंट्री लेड इनिशिएटिव क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो जंगल से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन के अंदर में आता है, इंडिया ने इसको होस्ट किया, बस और कोई काम का नहीं, ठीक।
चलिए, अगर यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो 2000 में बना था, कंफ्यूज नहीं होना है। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट हुआ था 2014 में, उसके बाद यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन आया फॉरेस्ट को, जिसके लिए बोलते हैं न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट हुआ था 2010 में बना था, इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो यूनाइटेड नेशन का है उसके अंदर इसको बनाए थे, एक सब्सिडियरी संस्था के रूप में, सहायक संस्था के रूप में इसको बनाए थे। काम यही है कि सभी तरह के फॉरेस्ट को अच्छे से बचाना, मैनेज करना, ठीक है, ताकि लॉन्ग टर्म हम लोग इसको पॉलिटिकल कमिटमेंट होना चाहिए। सभी यूनाइटेड नेशन के मेंबर इसके सदस्य हैं और इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहेंगे, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग ऑलरेडी 2 दिन में जो है 35 पेज तक पढ़ लिए हैं, ठीक है। आपका काम यह है कि जो पढ़ाई गई है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, एक दिन में एक सब्जेक्ट करेंगे और वो लंबा करेंगे, ठीक है। सी सेट करवाएंगे मैडम, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, हम बस वेट कर रहे हैं, बस आपका पी वाई क्यू को एक बार ख़त्म हो जाने दीजिए, फिर उधर से सी सेट हम अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसा करते हैं कल का क्लास सी सेट के नाम करते हैं, ठीक है, कल का क्लास सी सेट के नाम, ठीक है। तो कल हम आपको जनरली हम क्लास वही 7:30 के आसपास लेंगे, ठीक है, और क्लास इसको लेंगे हम लोग 12 बजे तक लेंगे, 3.5 घंटे का क्लास कल हम बता देंगे, सुबह तो नहीं शाम में ही क्लास होगा पीएम में, और देखेंगे सी सेट को 2-3 क्लास को हम लोग ख़त्म कर लेंगे। हाँ ठीक है, 10 पेज बचा है तो थोड़ा इसमें समय लगेगा। ठीक है, तो कल सी सेट का क्लास लेते हैं पीवाई, उसको भी देखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन भी, क्लास पैसेज का लेंगे, ठीक है, पैसेज का लेंगे। चलिए अपना ख्याल रखिए, कल हम वो टाइमिंग बता देंगे दोस्तों, कल का टाइमिंग हम लोग शाम में 3:30 बजे 7:30 बजे रात लेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग सी सेट करेंगे, और ये जो हमारा क्या उसको बोलते हैं विजन आई एस का PT 365 है इन्वायरमेंट का, उसको भी 15-20 पेज करेंगे और सी सेट कल का लंबा क्लास लेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, तो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको क्लास की टाइमिंग वाइमिंग उसी में पता चलेगी, ठीक है।